वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग करते हैं शुरू सीन कुछ इस तरह है कि हम जा रहे हैं डेरा गाजी खान। और डेरा गाजी खान किस लिए जा रहे हैं? सिर्फ हमने अपनी खेड़ी लेनी थी। खेड़ी बोले चप्पल बोले, वैसे तो इसको पेशावरी चप्पल बोलते हैं। पहले भी मैंने एक व्लॉग बनाया था डेरा गाजी खान पे, उसमें बड़ा मजा आया था। और रास्ते में हम रुके थे, मैं उसका नाम भूल गया। वो उसमें मर्च समोसे उसके बड़े टेस्टी थे, बहुत मजेदार थे। उसके बाद भी रुकेंगे और आपको दिखाऊंगा डेरा गाजी खान। अगर आप विजिट करें तो उसके बाद आपने लाजमी रुकना है। बड़ी सलाटी है, मैंने सोचा चलो इब्राहिम को दे जाता हूँ। इब्राहिम हर दफा को वही सीन, लेट हो जाते हैं। और लेट क्यों होते हैं इसकी समझ नहीं आती मुझे आज तक। तो अब गाड़ी स्टार्ट की है। आपको मेंस में बताया अगर डेरा गाजी खान की कोई और चीज मशहूर है तो चलो वो भी ट्राई कर लेंगे, लेकिन उसके लिए तो ब्लॉग तो कल अपलोड होगा। लेकिन फिर भी बता दीजिएगा नेक्स्ट टाइम गए तो जरूर जो कमेंट्स में लिखे होंगे उधर विजिट करेंगे। आ गया जी सारे, बस मैं ड्राइव कर रहा हूँ और साथ में वसीम भाई लेकर स्टिंग वगैरह। अच्छा जब हम पिछली बार आए थे ना तो सारा एरिया पानी से भरा हुआ था, सारा ये साइड भी सलाब आया था तो सलाब की वजह से पानी से भरा हुआ था। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, आबादी भी कुछ ज्यादा हो गई है। तो वो सारा सीन मेरे साथ सामने याद आ रहा है, जो पानी पानी था सारा। ये दरिया सिंध है और ऊपर तक आया हुआ फुल पानी है भाई। दोस्त पलदार है ये आ गए जी। जब पिछली बार आए थे तो हम इधर से आए थे इस साइड, लेकिन इस बार सीधे आए हैं, बाहर से लेके आए। अब इधर से मुड़ेंगे हम लेफ्ट और सामने फैश शूज। गाड़ी पार्क कर दी है, बाकी और भी शूज वाले काफी सारे बैठे हैं। इतने सारे दो नंबर यानी कि इनके रिश्तेदार हैं और भी हैं। असल यही है 1032, ये समझे इनके पास से असली शूज मिलते हैं। इसके अलावा जितने भी हैं सारे फेक हैं, दो नंबर है यानी कि असल यही है 1032। हमें ले लिया, मैं चले खा रहा हूँ, चले दिया पानी बोतल दो। चाह में कह रहे आप भी शूज ले लो, मैंने बोला नहीं मेरे पास तीन चार हैं। अच्छी हम पहुंचे, पिछली बार जब आए तो सो यहाँ पे, अभी इसीलिए इधर ही तो चेक करते हैं। उसने हमें बताया था खड़ा सामने था शिवर जी के जो फैमिल है, इसलिए मैं मजबूरन नहर के साथ खड़ा हूँ। भाई ने पहचान लिया हमें तो अभी अरे चांद पे कह रहे आलू वाली टिक्की लाजमी, क्योंकि पिछली बार आए थे ना आलू वाली टिक्की बड़ी अच्छी लगी थी। देखें हमारे ये मेरी खेड़ी जाकर अबू जी की खा ली है और ये चांद भाई कमेंट तो रहे किसी खेड़ी सबसे अच्छी लग रही है दादा। अच्छा ये आगे एक फिराया समोसा भी है और एक पकौड़ा है, दो पकौड़े रखे हुए हैं। वो चिकन वाला नहीं है मेरे आलू वाला समोसा है। और देखिए मैंने बहुत मजा आया, बहुत अच्छी है और बहुत मेरी बात सुनी बहुत उठा। आपने खा ली प्लेट बचा देखा जी, खा लिया जी और प्लेट वाक से बची चले अब चलो। अच्छा जी इधर आंधी आई है बड़ी तेज, अच्छी बारिश शुरू हो गया है। पीछे तो इतनी तेज नहीं थी लेकिन इधर ज्यादा तेज लग रही है। अब यहाँ या तो वहां से मेरा आपका जैतून बिलाल भी साहब जी हम इधर कभी रुके नहीं वैसे, अगर आप कहते हैं तो जैतून उधर चलते हैं मेहराब पे जिधर आप बोल रहे हैं। अच्छा जी डिसाइड किया कि हम इधर ही मेहराब होटल रुकेंगे, अब नई जगह ये ना कि मजा ना आए। पहुंचे जी मेहराब पे और यहाँ भी बड़ी देर बारिश आ रही है, गाड़ी खड़ी कर दी है, सारा पानी पानी चांद पानी है। खेड़ी सारी खराब हो गई, मैं सोचता था कि बाहर बैठे खाएं, अंदर अंधेरा है। और सबसे पहले हमारा सैलेड कैसे थे? सो फैमिली जी खाना बहुत मजे का था, चाय तो कमाल बनी थी, चाय का तो मैं कहता पूछो ही ना, चाय तो आपको पता है मेरी फेवरेट है इधर। सो फैमिली वापस पहुंच चुके हैं, गाड़ी मैंने पार्क कर दिया और चांद भाई मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, फिर चलते हैं घर। देखे गलियां भरी पड़ी है पानी से, इधर भी सारा पानी है। अभी पहुंचा हूँ शॉप पे और मेरा दिल कर रहा है कि कोई ठंडी चीज खाऊं, क्योंकि गर्म चीजें खा खा के ना अंदर सारा हीट हो गया। सो असद भाई मेरे लिए कुछ ये लेगा। और तबीयत कैसी है आपकी? असद दो दिन बाद आया जी, पहले से बहुत बेहतर है,
पहले से बेहतर है यार। कोई ठंडी चीज पिलाओ अंदर, ठंडा ठंडा हो जाए। मुझे वो पुदीने वाली बोतल पिलाओ। अभी लगता है इकबाल भाई की तबीयत खराब है, क्योंकि इसका भांजा आया अभी, दो दिन छुट्टे करके अभी इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। जब इसकी ठीक होगी फिर उसकी खराब हो जाएगी, जब उसकी खराब होगी फिर उसकी ठीक हो जाएगी। ठीक है इकबाल भाई, बोला पीला पीला सीन क्या बोतल को देख के ना, कोई आए ना आए, बाहर बिलाल बैठा होता ना उसको पता चल जाए ना। सेम नेम बिलाल होता है, इधर मेरा कजन है, उसको पता चल जाए ना मैं बोतल पी रहा हूँ तो वो आ जाएगा। उसको पता नहीं आवाज सुनाई देती है, पता नहीं बोतल की खुशबू आती है। भाई जान काम वाम कर लो, कफारे खड़े हुए आगे पीछे देख लो, इतने काम कर। इधर आओ, हेलो छोटे भाई इधर आओ, बड़ी स्पीड है तेरी। इधर क्या कुछ लेके आए? ये क्या है इधर, केक स्पेशल केक है। चलो ठीक है, ओके अभी जल्दी फाइन बैठो, साइज फाइज भी करो। असद ये खड़ा हो जिसका मैं बता रहा हूँ, तबीयत खराब थी। और ये अली है अपना, सॉरी अहमद, इसकी तबीयत बहुत कम खराब होती है, इसकी ज्यादातर खराब होती है। इसकी शादी का सोच रहे हैं, अभी आपने कमेंट से बताना इसकी शादी करें या ना करें। अच्छा ना उधर ना हमने जो खेड़ी ली थी, एक मिली थी हमें 7,000 की और एक मिली थी 6,500 रुपए की मिली थी। तो उसके फ्यूल जो लगा, यकीन माने पिंडी जब जाते थे ना उस 5,000 रुपए का पेट्रोल लगता था, पिंडी पहुंच जाते थे। और ये देखने मुल्तान से डेरा गाजी खाना कितना सफर है, सिविक पे 5,000 रुपए का लगा फ्यूल आने जाने का, एक दो जगह काम जाना है। तो आज का व्लॉग हम ये एंड करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो अपलोड हो आप नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू, बाय बाय। فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.